हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अगर आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए झारखंड नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, मतलब आप एक्सचेंज कार्ड बना लिए हैं, और अगर आपका एक्सचेंज कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप इसका रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं। मतलब अगर आप एक्सचेंज कार्ड बहुत पहले ही बना लिए हैं और अगर उस टाइम आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं ले रहा था, मतलब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पता नहीं है, तो आप इसका रिन्यूअल ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, घर बैठे वो भी आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसका ऑनलाइन रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है www.jharkhandrozgar.nic.in। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका जो झारखंड रोजगार का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको इस वेबसाइट में, झारखंड रोजगार का जो ऑफिशियल वेबसाइट में आने में कोई दिक्कत हो रही, मतलब नहीं खुल रहा है, तो हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप झारखंड रोजगार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप सीधे पहुँच जाइएगा। इसमें आने के बाद अगर आपको, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन किए थे झारखंड रोजगार में रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसमें उस टाइम बहुत पहले ही रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उस टाइम अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पता करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको अपडेट मोबाइल लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको मोबाइल नंबर देना है, नया वाला जो मोबाइल नंबर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नंबर देना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो एक्सचेंज कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। जैसे आपका लिखा हुआ रहेगा J04-1, जिस साल आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस साल, फिर आपका एक 4 डिजिट का नंबर और रहेगा, तो वह यहाँ पर डालना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया अभी कुमार, तो अभी कुमार का फर्स्ट नेम अभी हो गया। उसके बाद आपका फादर्स नेम यहाँ डालना है नीचे, तो नीचे फादर्स नेम डालने, यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना है, तो फादर्स नेम यहाँ पर आपका पूरा फादर्स नेम डालना होगा। तो चलिए एक एक करके डाल लेते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। तो टोटल डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट बॉटम यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपका रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका जो डिटेल्स, मतलब आपका ईमेल, सॉरी, जो आपका मोबाइल नंबर था वह अप टू डेट हो गया है। अब अप टू डेट होने के बाद आपको यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। फिर आपको होम पेज पे चले आना है। होम पेज में आने के बाद अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता करना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड पता करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन जो लिखा हुआ है इसमें आप यूजर नेम जो लिखा हुआ है यहाँ से आप यूजर नेम पता कर सकते हैं, और पासवर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ से पासवर्ड भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर आईडी पता करते हैं। तो यूजर आईडी पता करने के लिए आपको यूजर पर क्लिक करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी दिए हैं आप अप टू डेट करने के बाद, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर फर्स्ट नेम और मदर, नहीं फादर्स नेम, उसी तरह यहां पर डाल देने के बाद आपका एक, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में आपको यूज़र आईडी भेज दिया जाएगा। चलिए एक एक करके डाल के आपको दिखा देते हैं कि किस तरह करना है आपको। सब डिटेल्स डालने के बाद मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम आपका और फादर्स नेम पूरा डालने के बाद आपको सबमिट बॉटम जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूज़र आईडी रिक्वेस्टेड इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, मतलब आपका यूज़र आईडी मतलब भेज दिया गया है। अब आपको फिर आपको बैक बॉटम होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको
अब पासवर्ड पता करना, तो अब आपको पासवर्ड पता करना है, यूज़र आईडी पता हो गया है, अब पासवर्ड पता करना है। तो पासवर्ड पता करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर वही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम, आप फिर आपका फादर्स नेम। तो चलिए डिटेल्स डाल लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। तो पूरा डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट बॉटम जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपका देखिए एक फिर नया पेज आ गया, मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन, मतलब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है इसी में आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी दोनों एक साथ जाएगा। तो देख लीजिए आप मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर है कि नहीं। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दोनों सेम है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, मतलब आपका मोबाइल नंबर में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों पहुँच गया है। पहले जब आप यूज़र आईडी मतलब फॉरगेट किए थे तो उस टाइम हो सकता है आपका यूज़र आईडी नहीं पहुंचा, लेकिन जब आप फॉरगेट पासवर्ड में गए हैं तो आपका एक साथ दोनों पहुंच जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू ज़रूर मिलेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर होम पेज पर आ जाना है। होम पेज में आने के बाद आपको अब लॉगिन करना है। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ आपको मैसेज के थ्रू मिला है वो यहाँ पर डालनी है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो चलिए एक एक करके डाल लेते हैं, साइन इन करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो आपको मैसेज में लिखा हुआ आएगा डियर जॉब सीकर EMP एक्सचेंज झारखंड, यूज़र आईडी आपका दिया हुआ रहेगा इज एंड पासवर्ड इज ये, इस तरह दिया हुआ रहेगा। तो आपको यूज़र आईडी इज, उसके बाद जो यूज़र आईडी दिया हुआ है आपका वो JH करके दिया हुआ रहेगा स्टार्टिंग में, और पासवर्ड आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर डालना है। तो चलिए यूज़र आईडी डाल लेते हैं और पासवर्ड, फिर साइन इन कर। तो आपको यूज़र आईडी सही सही डालना है, जहाँ पर कैपिटल है कैपिटल डालना है, स्मॉल लेटर में है स्मॉल लेटर में डालना है, फिर नंबर है नंबर में डालना है। तो दोनों सही सही डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा आपका। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपको मतलब देखने को मिलेगा। यहाँ पर चेंज पासवर्ड ऊपर में लिखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पर आपका यूज़र आईडी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर नीचे पासवर्ड। तो पासवर्ड ये वाला पासवर्ड जो है यहाँ पर पुराना वाला पासवर्ड आपको डालना है जो मोबाइल में आया है, फिर आपको एक न्यू पासवर्ड डालना है। तो न्यू पासवर्ड जो होगा आपका स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि है, आपको जैसे लिखना है रवि कैपिटल R स्मॉल AVI@123, इस तरह पासवर्ड होना चाहिए। चलिए मैं पासवर्ड पहले चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो पूरा डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट बॉटम यहाँ पर लिखा जो है इसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ही आपको ऊपर एक मैसेज आ गया होगा, शो कर रहा होगा, देख सकते हैं पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज फॉर जो आपका यूज़र आईडी दिया हुआ है वह लिखा हुआ रहेगा। तो इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ये आपका पेज का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आपका इस तरह इंटरफेस ओपन होने के बाद रिन्यूअल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर में, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिन्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका रेन्यूअल करने का डेट भी पार हो गया, मान लीजिए आपका एक्सपायर डेट भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट एक्सपायर ऑन फरवरी 2023, तो ये डेट पार होने के बाद भी आपका रेन्यूअल करने का डेट रहता है, अगर इसका वो भी डेट पार हो गया है तो आपका यहाँ से ऑनलाइन नहीं होगा। इसके लिए आपको आपका जो ऑफिस है झारखंड रोजगार, जहाँ एक्सचेंज ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको रिन्यूअल करवाना होगा। तो इसमें रिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ डिटेल्स डालने का आएगा, वहाँ पर डाल देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। मेरा रिन्यूअल अभी एक्सपायर नहीं हुआ है इसलिए मेरा आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर आपका रिन्यूअल करने का डेट है तो आगे का प्रोसेस आपको मतलब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको झारखंड रोजगार मतलब एक्सचेंज कार्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।